जैसा कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा होगी, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक स्मॉल कैप की शानदार कंपनी जो कि आपको मिल रही है अभी 52 वीक्स लो प्राइस के आसपास, बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे चुकी है और पी रेशियो वाइज भी सस्ती मिल रही है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, ज्यादा महंगी नहीं है कंपनी। तो इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, सारी चीजें बहुत शानदार है कंपनी में, वो जैसे मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि कंपनी का नाम जान लिया और बस वो वीडियो बंद करके निकल गए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल कंपनी का नाम जानकर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप उनको मिस कर सकते हो। कई बार ऐसी चीजें आपको ये धीरे धीरे, जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर बढ़ेगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि फंडामेंटल एनालिसिस का महत्व कितना है और प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक करने का महत्व कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिरला सॉफ्ट, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, अभी 297 रुपए पर जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। एक साल के अंदर यदि रिटर्न देखते हैं तो 47.60% के नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि लगभग 47% डाउन पर मिल रही है हाई टाइम से, ऑलमोस्ट आधे प्राइस पर मिल रही है कंपनी। तो इस समय अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। यदि बात करते हैं 5 साल की, तो 5 साल में कंपनी 135% से भी ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दे चुकी है। मैक्सिमम यदि चार्ट देखते हैं इसका, तो कंपनी 3241% के पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दे चुकी है। अब 3241% के रिटर्न कोई कम रिटर्न नहीं है, बहुत शानदार रिटर्न है। और यदि 5 साल में भी 135% के रिटर्न दिए हैं तो बहुत ही अच्छे रिटर्न है। 135% यानी कि आपके पैसे दुगने से भी ज्यादा करके दिए हैं कंपनी ने 5 साल के अंदर, बहुत ही अच्छी रिटर्न है। अब चलते हैं कंपनी के, देखते हैं बाकी के पैरामीटर्स। कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 8000 करोड़ का, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस 297, 586 रुपए हाईएस्ट गया है 52 वीक्स में, और जी 261 लोएस्ट गया है। तो अभी लगभग 30 रुपए, अपने 30-35 रुपए हाई चल रहा है लोएस्ट से, 586 इसका हाईएस्ट गया, तो उससे कम चल रहा है, लगभग 300 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी है 16.8 का। अब पी सस्ता महंगा तब पता लगेगा जबकि मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री का पी कितना है और इसके पीयर जो स्टॉक है, जो इनकी पीयर कंपनीज है इसकी, उनका पी कितना चल रहा है। बुक वैल्यू 85.7 की है, डिविडेंड यील्ड 1.51 की है, यहाँ पर आरओसी 24.9% का है, लगभग 25% का आरओसी है कंपनी का। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.3% का है, फेस वैल्यू 2 रुपए की है, और डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.05% का है, तो बिल्कुल बहुत कम डेट है कंपनी पर। और यदि वैल्यू वाइज डेट की बात करें बोरोइंग की, तो 118 करोड़ की बोरोइंग से, कोई खास बोरोइंग नहीं है। स्टॉक का पी है 16.8 का और इंडस्ट्री का पी है 33.6 का। तो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है अभी, इंडस्ट्री के पी से लगभग आधे पर कर रहा है, यानी कि इस समय स्टॉक सस्ता है, लेने वाले समय पर चल रहा है। यदि आपको अच्छी लगती कंपनी तब आप इसमें निवेश कर सकते हो। कुछ पीयर कंपैरिजन यानी कि जो कॉम्पिटिटर है उनका पी देख लेते हैं। इसमें एलएनटी टेक्नोलॉजी आती है 36.84 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, टाटा एलेक्सी 58 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, एम्फेसिस 23 के पीई पर, और जी परसिस्टेंट सिस्टम 38 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, ओरेकल फाइनेंस एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 14.5 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, कोफोर्ज 32.59 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, केपीआईटी 60 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, और बिरला सॉफ्ट 16.68 के पी पर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। अब इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पर नजर डाल लेते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना चल रहा है और सेल्स कैसी चल रही है। तो 2020 की सेल्स की यदि बात करें 3291 करोड़ की थी, 2021 में 3556 करोड़ और 2022 में 4130 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की यदि बात करें, 2020 में 12%, 21 में 15% और 22 में 16% का ओपीएम परसेंटेज यहां पर कंपनी का निकल कर आया है। नेट प्रॉफिट यदि कंपनी का देखते हैं, 2020 में 224 करोड़ का, 21 में बढ़कर 321 करोड़ का, और यहां पर 2022 में 464 करोड़ का, जस्ट डबल हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 10 साल में 17%, 5 साल में 16% और जी 3 साल में 16%, लास्ट ईयर 19% के रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने निकाल कर दिए हैं, जहां की कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 50% डाउन पर चल रहा है। यदि ये होता अपने हाई टाइम पर, तो ये रिटर्न बढ़कर आपको अच्छे खासे दिखाई देते। अब रिटर्न स्टॉक मार्केट में कंपनियां कई तरीके से देती हैं, जब आप लॉन्ग टर्म में कभी निवेश करोगे तब इस चीज का आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर मारते हैं कि यहां पर रिजर्व्स कितने हैं और कंपनी पर बोरोइंग, तो मैंने आपको बता दी, उसको डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो रिजर्व्स की यदि बात करें, तो 2020 में 1837 करोड़ के, 2021 में बढ़कर 2124 करोड़ के, 2022 में दोबारा से बढ़ गए 2527 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास हैं। और जी यहां पर बोरोइंग्स की यदि बात करें, 2020 में 145 करोड़, 2021 में घट गई है 128 करोड़,
2022 में 123 करोड़ और सितंबर 2022 में अपडेटेड 118 करोड़ की बोरोइंग है, जैसा कि मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ आपको पहले बताया था, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी मात्र 0.05% का है। अब चलते हैं कंपनी के लास्ट पैरामीटर जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 41.48% की होल्डिंग है, यानी कि 40% से ज्यादा की होल्डिंग है, 50% से कम की होल्डिंग है। ठीक है, ये थोड़ी सी कम लग सकती है आपको, लेकिन इन कंपैरिजन जहां पर कि 20% 5% या 0% भी कुछ कंपनियां हैं और कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, वो क्यों होती है वो भी मैं आपके साथ पहले साझा कर चुका हूं। FIs की होल्डिंग यदि देखते हैं 12.95% की है, तो बहुत शानदार FIs के पास स्टेक है। DIs की होल्डिंग यदि देखते हैं 19.87% की होल्डिंग है, तो 19.87% की होल्डिंग DIs यानी कि म्यूचुअल फंड मैक्सिमम इसमें से हिस्सेदारी रखते हैं लगभग 14% से ऊपर की, तो उन्होंने कुछ सोच समझकर कंपनी में निवेश किया होगा। यदि हम प्रमोटर प्लस FI और DIs की होल्डिंग ऐड कर देते हैं तो लगभग 70% की होल्डिंग इनके पास हो जाती है, बचा हुआ 75% हो जाती है, बचा हुआ 25.60% का जो होल्डिंग है वो मात्र पब्लिक के पास है। अब 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स FIs और DIs अपने पास रख रहे हैं किसी कंपनी में, तो ये एक सीधा सा सिग्नल है कि कंपनी अच्छी है, और यदि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को आप होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपको जबरदस्त रिटर्न बनाकर देगी, और यदि नहीं देगी तो केवल आपका नुकसान नहीं होगा। 75% वो लोग हैं जो कि आपसे मतलब ज्यादा जानने वाले हैं कंपनी के बारे में, और उन पर ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को यदि आप बात करोगे तो उन पर तो बहुत बड़ा प्रेशर है, उनको रिटर्न निकाल कर देना है, रिटर्न बनाकर देना है। जो SIP करते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो ऐसे ही FIs का पैसा लगा हुआ है, ऐसे ही प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है लगभग 41-42% का, तो उनको ज्यादा रिस्क रहेगा ना, उनका पैसा ज्यादा डूबेगा, हम और आप कितना लगाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सी सिंपल ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर प्लस उसके पास्ट के रिटर्न देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंपनी भविष्य में कैसा करेगी। ये कंपनी आपको बहुत ही फेयरली प्राइस पर अभी मिल रही है, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। यदि आपको अच्छा लगता है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में हर एक गिरावट पर ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। ये कंपनी आपको आने वाले 6-8 महीने या 1 साल में जरूर परिवर्तन की तरफ देखने को मिलेगी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि साल में, या फिर अभी IT सेगमेंट की यदि बात करोगे ना, बाकी कंपनीज भी अपने हाई टाइम प्राइस से डाउन चल रही हैं, भले ही वो निफ्टी टॉप पर जा रहा हो, कुछ भी परफॉर्मेंस आ रही हो, लेकिन एक सेगमेंट होता है कि हाँ ये 1 साल नहीं चला, अगले साल बहुत अच्छा चल गया। और वैसे भी साल में 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब आपके पोर्टफोलियो में कंपनियां बहुत हरी भरी नजर आती हैं, बाकी के दिन वो शायद डाउन लेवल पर ही मिलती हैं आपको देखने को। तो यदि स्टॉक आपको अच्छा लगा है, फंडामेंटल्स अच्छे लगे, मुझे तो बहुत शानदार लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी गिरावट होती है तो मैं मौका ढूंढूंगा, इस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहूंगा, भले वो ना करूं ऐड, लेकिन मैं, ये मेरी पर्सनल जो है राय है। आपके लिए किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन सजेशन यहाँ पर नहीं है कि आप मेरे बताए हुए किसी भी स्टॉक में निवेश करो, केवल आपको निर्णय जो लेना है वो अपने मतलब आपको पर्सनल प्रोफाइल के बेस पर लेना है, आपका इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो किस तरह का है। तो केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही ये वीडियोज में बनाता रहता हूँ। यदि जानकारी अच्छी लगी तो बाकी लोगों के साथ भी साझा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।